FAF Amir, where are you from, bro? I am from America. Irfan Mir ne dala hai question, kosher boy ke saath ek vlog banao. Love from Mawar Hanwara. Love you too, Jigar. Hanwara se, Mawar se aap. मैंने तो अभी भी बोला है कि आप 1.5 लाख फॉलोवर तो 30,000 फॉलोवर से बड़े अंतर। साहिब भाई आपकी एज क्या है? मेरी एज क्या है? आका छीत वर ना बालें। एवरीवन दिस इज योर गम रोस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशी से होंगे। तो जी गाइज, आज Q&A पार्ट 2 है। Q&A पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन रीड किया है तो उनको जवाब मिल गया है। अब Q&A पार्ट 2 है। मैं कल भी बना सकता हूँ क्योंकि कल बारिश थी। मैं अक्सर आज बाहर ही बनाता हूँ क्योंकि घर में कुछ काम है। तो और एक सरप्राइज भी आने वाला है, वो आप लोगों को सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, फिर पेज को देख रहे हो फॉलो जरूर करना है। तो करते हैं जी इस Q&A पार्ट 2 को स्टार्ट। A few moments later. #Hashtag बाबा कलेक्शन। भाई कोशिर बॉय के साथ वाला क्यों नहीं करते हो आजकल? देखिए भाई, मेरी और उसकी बहुत बॉन्डिंग थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ये तो कुछ ज्यादा कामयाबी छा दीवान तुम्हें छे पा तम दोस्त नजरी कहें ना क्या है क्या नहीं है। वो आज ये भी नहीं मुनासिब समझे कि मैं इसके साथ व्लॉग करूँ। अगर बह तुम सिस वीडियोस में तुम्हें गए बेचारस रेपेशन तो हे डाउन गान सत या रीच हे डाउन कुछ भी हो सकता है। सेलिब्रिटी और एक नॉर्मल इंसान को बहुत अंतर होता है। मैंने पहली बार भी बोला है एक वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा भाई उसके लिए सॉरी। मैं ये कि नहीं कह रहा हूँ वो बुरा है, वो मुझसे अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझता है कि भाई इसके साथ व्लॉग करूँ। तो वो एक सेलिब्रिटी है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, दैट्स इट। इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जिगर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई नीड क्वालिफाइड, मतलब ऐसे कस कौन वो इम्प्रेस सोशल मीडिया एन खतर बट सदत बॉक्स जिसका नाम है। तो मैं इसको वीडियो देखता रहता था उसका वीडियो, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। सेम अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम जिगर, आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? जिगर यूट्यूब के अलावा मैं मजदूरी करता हूँ, सीधी सी बात बोलूँगा। और उसके आपने क्वेश्चन, आपके सोशल मीडिया पर कितनी अर्निंग है? मेरी अर्निंग मतलब थोड़ा बहुत कम दस चलान, अगर तुम ज्यादा खत करो सपोर्ट तो इसके अलावा भी कर सकता हूँ। मिलड मंजूर भाई, वीडियो में ज़रूर बोलना है। मुनीब फ्राम बड़गाम मागम भाई, बड़गाम से मुझे बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं। मैं दिल से कहूँगा ना, मैं दिल की बात कहूँगा आपको कि मुझे खुद बड़गाम से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे बड़गाम के लोग। मेरे तरफ से भी बहुत सारा प्यार बड़गाम के लोगों के लिए। #Hashtag जिदू नैन भाई, आप अपने हेटर्स के लिए क्या बोलना चाहते हो? जिगर मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा अगर हिदायत छ कर हिदायत वह अगर ना हिदायत छ कह तो तेल मुथन कि कंस कर ट्रोल कह कर बिचोर पुन मेहनत पत्किन लेख वगैरह वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही दुआ करूँगा पहले हिदायत, अगर हिदायत छ कि उसके बाद अल्लाह के हाथ में है तो मैं यही दुआ करूँगा। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गाली देता है ट्रोल करा आई डोंट केयर। वानी तौसीफ भाई लिख रहा है, आपको बाबर आजम क्यों पसंद है? क्यों पसंद है भाई, ये अपना इंप्रेशन होता है। एंड उसके बाद मुझे विराट कोहली भी पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है क्यों पसंद है। पसंद इसीलिए, वो बैटिंग अच्छा कर रहता है तो आजकल नहीं है, बट इसीलिए पसंद है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं। और आपके घर में कौन कौन है? सबसे पहले मेरे घर में बड़ा भाई है, उसके बाद मेरी माँ है, उसके बाद मैं हूँ, बस। इट्स आकाश भाई, आप शादी कब करोगे? लव फ्रॉम करालगुंड, लव यू टू जिगर, बकार कर खानदर। मे बसान जीतरस मे ना जिगर जस्ट है फन, जब टाइम आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। शादी करना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, तो ज़रूर करूँगा। आमिर आप कभी एरोप्लेन में चढ़े हो? जिगर अथरेट से जबरदस्त सवूर करा और तुम पे पलस पर भी मज़दार आए। यार मेरी औकात नहीं है एरोप्लेन में चढ़ने का, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ। FAF आमिर, वेयर आर यू फ्राम ब्रो? आई एम फ्राम अमेरिका। जस्ट खान, मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, कुपवारा से गिलगाम। एदेन कादिर, रोस्टिंग करना छोड़ दो, कुछ अच्छा पर्सनल व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। जिगर अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप खुद चेक करो कि कितने लोग मेरे ऊपर रोस्ट करते हैं। दिन में तकरीबन 40 बंदे मेरे ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, मैं मजबूर हो जाता हूँ उनको रिप्लाई देने के लिए, वरना मैं कोई इंप्रेशन नहीं था कि मैं रोस्टिंग करूँ, मैं खुद इसको इग्नोर करना चाहता हूँ। MX फैसल ने लिखा है, तो क्या उसी बचपन में फेवरेट, बस हम सैन उस बाल से शीश भी देखो टंग चूर वंग चूर करा
जिगर चून लिखमत भाई रोस्टिंग के अलावा क्या करना है, रोस्टिंग ही करना है, मतलब अमस मतलब कि ऐसे रोस्टिंग ही ईज करें कि बे ती कर जिगर मे बहुत अच्छे सवाल कि आपने मे कुपार पे तो गोटे मे तरफ से लव यू और उसके बाद आपने अच्छा क्वेश्चन डाला कि मैं खुद मैंने अभी भी बोला कि मैं इग्नोर करना चाहता हूँ रोस्टिंग, लेकिन कुछ लोग ना दिन में 10 लड़के मेरे ऊपर रोस्ट करते हैं, तो आप खुद बताओ मुझे क्या करना है। मैं खुद इसको इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं चाहता हूँ रोस्टिंग, ठीक है, मैं खुद फनी वीडियो बनाता हूँ आजकल और व्लॉगिंग करता हूँ ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद इग्नोर करना चाहता हूँ। शायद बट लिख रहा है आपको इतना टैलेंट हो के भी कैसे नींद आती है, भाई ये टैलेंट तुम्हें नंदरी यहाँ की ओ बस चोर मटरस ग्रे कल फिर नैम तो शुंगा। इरफान मीर ने डाला है क्वेश्चन, कोशिर बॉय के साथ एक व्लॉग बनाओ, लव फ्रॉम मावर हंदवारा, लव यू टू जिगर, हंदवारा से मावर से आप। मैंने तो अभी भी बोला कि आख 1.5 लाख फॉलोवर तो 30,000 फॉलोवर से वह अंतर एंड बहुत ही फर्क है, ठीक है, तो अगर मोन वन तुह मुनासिब समझा आज व्लॉग बनाओ मे कह मे सह कम तम तह मे सत बनावा तम तह कि आज मे तरफ वो देखना भी नहीं चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बुरा है, वो मुझसे अच्छा है, बट दिन ब दिन जब बढ़ते जा रहे हैं ना इंसान आगे, तो जब आगे होते हैं ना कोई इंसान तमिस गो खा तमन सब फ्रेंडशिप हम आसमान पे आम बिचार बन रूद जमीन पे मेन पे तम सब क्या बनाए सर, सीधी सी बात है। साहिब भाई आपकी एज क्या है, मेरी एज क्या है अख शीत ना बल जस्ट फन 10/9/2001 मैं रियल डेट ऑफ बर्थ वन ये पानी समझ बुक हो रहा। असल सैद हेलो ब्रो बिग फैन, शुक्रिया जिगर, आपको अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा बरकत करे, बिल्कुल आमीन सुमा आमीन, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, पहले तो अल्लाह की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। साइलेंट बॉय ने लिखा है जब आपको फर्स्ट पेमेंट मिली है आपने घर में किसको दिया है, ये आसिफ रथर 82 है, आप लोग इसके पेज पर विजिट करना, इसने नॉर्मल आई डी से मुझे कमेंट किया है, आसिफ रोहतर 82 मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको जाके एक बार फॉलो करो, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाता है। तो भाई आप लोगों को पता है आप मुझसे बेहतर जानते हो, मुझसे करीब हो ज़्यादातर, 24 घंटे हम साथ ही रहते थे, और सबसे पहले आधा तो मम्मी दी है, आधा को आपने आप रखा है, इसलिए आप लोगों को पता है जैसे मैंने ज़्यादा बेहतर पता मानी चंद जरूरत की। गाइस ये था Q&A पार्ट सेकंड, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो पसंद आए तो क्या करना है आपको, आपको पता ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब पेज को फॉलो ज़रूर करना है, तो पहले तो अल्लाह के हाथ में है, बाद आपके हाथ में, अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो सरप्राइज़ भी आने वाला, वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो मुझे अच्छा लगता है सबसे पहले अल्लाह की वजह से और आप लोगों की वजह से, मुझे कुछ अपने फ्रेंड सर्कल जो है किफायत जाफरी एहसान व्लॉग्स आसिफ रथर 82 ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों को फ़र्ज़ बनता है इनको भी सपोर्ट करो, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग रब की आवाज़।